नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय 4। परिचय। आपने पिछली कक्षा में त्रिभुज बनाना सीखा था। उसे बनाने के लिए हमें तीन बीमाओं का माप या दो कोण और एक बीमा का माप पता होना चाहिए, परंतु चतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि आयत को हम चार मापों से बना सकते हैं, पर इन्हीं चार मापों से हम एक समांतर चतुर्भुज भी बना सकते हैं, तो हमें चार माप से अधिक जानकारी चाहिए। एक त्रिभुज को बनाने के लिए तीन माप पर्याप्त है, पर चतुर्भुज के लिए ऐसा नहीं है। हम नीचे यह देख सकते हैं कि हम सिर्फ चार मापों से एक चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। विषय। आज हम चतुर्भुज को बनाने के लिए कुछ तरीके जानेंगे जो विभिन्न स्थितियों में काम आएंगे। पहला, जब हमें चार भुजाएं और एक विकर्ण का माप दिया गया है। दूसरा, दोनों विकर्ण और तीन भुजाओं का माप दिया गया है। तीसरा, दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों का माप दिया गया है, तथा चौथा, तीन भुजाओं और उनके बीच के दोनों कोणों का माप दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमेशा पांच माप ही होने चाहिए। सबसे पहले चार भुजाएं और एक विकर्ण। हमें एक ऐसा चतुर्भुज एबीसीडी बनाना है जिसमें एबी 4.5 सेंटीमीटर है, बीसी 5.5 सेंटीमीटर है, सीडी 4 सेंटीमीटर है, एडी 6 सेंटीमीटर तथा एसी 7 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक कचरी आकृति का निर्माण करते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले विकर्ण बनाते हैं। इसके बाद हम SSS रचना, जो हम कक्षा 7 में पढ़ा था, से दोनों तरफ त्रिभुज बना लेंगे। जैसे यह हमारा विकर्ण है, फिर SSS रचना से हमने दोनों तरफ त्रिभुज बना लिए। हमारे पास अब अपना उत्तर प्राप्त हो गया है। दूसरा, जब हमें दोनों विकर्ण और तीन भुजाएं दी गई हैं, हमें एक ऐसे चतुर्भुज गोल्ड का निर्माण करना है जिसमें OL 7.5 सेंटीमीटर है, GL 6 सेंटीमीटर है, GD 6 सेंटीमीटर है, LD 5 सेंटीमीटर है तथा OD 10 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम पहले एक कच्ची आकृति बना लेंगे, जैसा इस चित्र में बनाया गया है। कच्ची आकृति बनाने से हमें एक विचारधारा मिल जाती है। अब हम यह जानेंगे कि इस तरह के प्रश्न को हल कैसे किया जाए। सबसे पहले हम एक विकर्ण को त्रिभुज का आधार मानकर SSH रचना से त्रिभुज बना लेंगे। हम यहाँ पर GLD को भी बना सकते थे, पर GOL या DOG को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें GO का माप नहीं पता है। जैसे हमने यहाँ पर OLD बनाया है, क्योंकि हमें OL, LD तथा DO का माप पता है। अब हमारे पास OLD प्राप्त हो गया है, जो हमारा आधा चतुर्भुज है। अब हम LD को आधार मानकर SSH रचना से एक त्रिभुज बना लेंगे LDG। अब G और O को जोड़कर हम हमारा उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब तीसरे में बढ़ते हैं, जब हमें दो आसन्न भुजाएं और तीन कोण दिए गए हैं। चतुर्भुज मूल का हमें रचना करना है, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, कोण M का माप 60 डिग्री है, कोण O का माप 105 डिग्री है तथा कोण R का माप 105 डिग्री है। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी हम एक कच्ची आकृति का निर्माण करेंगे, जो इस तरह दिखाई देगी। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाए। सबसे पहले हम दिए गए दोनों मापों में से किसी भी एक को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने RO बनाया है, जिसका माप 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम दिए गए माप वाले दूसरी भुजाओं को कोण की मदद से बना लेंगे। हमें OM और कोण O का माप पता है। अब हम R और M से दिए गए कोणों के माप की सहायता से दो लकीरें बनाएंगे, जब तक वो E पर मिल ना जाए। और इस तरह हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो चुका है। तो अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ,
जब हमें तीन भुजाओं और उनके बीच के दोनों कोणों का माप दिया गया है। हमें एक ऐसे चतुर्भुज ट्रू का निर्माण करना है जिसमें टी आर 3.5 सेंटीमीटर है, आर यू 3 सेंटीमीटर है, यू ई 4 सेंटीमीटर है, कोण आर का माप 75 डिग्री है तथा कोण यू का माप 120 डिग्री है। कच्ची आकृति इस चित्र में दर्शाया गया है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हल कैसे किया जाए। इस तरह के प्रश्न करने के लिए हम सबसे पहले बीच वाली भुजा बनाएंगे। इस प्रश्न में हम आर यू बनाएंगे, इसका माप 3 सेंटीमीटर है। अब हम दोनों कोणों आर और यू पर दिए गए कोणों की माप से लकीरें बनाएंगे। अब आर को केंद्र मानकर 3.5 त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो टी होगा। इसी तरह यू को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो ई होगा। अब टी और ई को जोड़कर हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ध्यान देने वाली कुछ बातें। याद रहे कि हम पांच मापों के बिना कोई भी चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि हमें लगे कि प्रश्न में कम माप दिए गए होंगे, पर पांच मापों से कम में हम कभी भी एक निश्चित चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। प्रश्न में पांचों माप दिए गए होंगे, बस हमें यह सोचना होगा कि वह कहां पर दिए गए हैं। जैसे प्रश्न में बोला जा सकता है कि हमें एक आयत बनाना है जिसके दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि आयत के चारों कोणों का माप 90 डिग्री होता है। सारांश, आज हमने चतुर्भुज बनाना सीखा। धन्यवाद।